मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तुम अगर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अम्मा, अरे क्या कर रही हो यहाँ? मैं काम कर रहा हूँ और तुम ठक ठक किए जा रही हो, बंद करो उसे। ये लो, तुम्हें गांव से आए हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए। हमेशा कहते रहते हो काम सीखूंगा काम सीखूंगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तरह बाल पक जाएंगे। भाई मैं तो स्पॉट पर जाना चाहता था लेकिन आपने ही मना कर दिया था। ऐसा क्या? हाँ भैया, आज शाम को ही चले जाओ। ठीक है। वहां जाकर तुम्हें काम क्या करना है पता है ना? तो सीधी तरह काम करके वापस आ जाना, समझ गए ना? समझ गया। मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए तो कह दिया, लेकिन इस बीच तुम्हारा कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट तो नहीं है? अपॉइंटमेंट? मैं समझा नहीं। क्या एक्टिंग करते हो? तिरुनगर के बस स्टॉप पे वो लड़की जो मिली थी वो तुम्हें अपना दोस्त बता रही थी? वो कुछ नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। ऐसे देखने की क्या जरूरत, बातें करो और आगे बढ़ो। जैसे ही ये उम्र निकल गई ना, उसके बाद कोई लड़की भाव नहीं देगी। अभी भी कौन सी लड़की से भाव देती है? ए भाई, एक काम कर, तू सीधा जाके स्ट्रेट ले और वहां से एक लेफ्ट आता है फिर वहां। सुन रहा है क्या? सीधा जाके राइट लेने का है, चलो जा। सच में बहुत अच्छा दिखता है। कहीं तू पागल तो नहीं हो गया ना? ए, तू तिरुपुर से यहाँ पर क्यों आया बताना मुझे? स्मगलिंग करके पैसा कमाने के लिए। बोल तो ऐसा रहा जैसे शेविंग करके नहाने के लिए आया है। स्मगलिंग बे, स्मगलिंग। तेरी हालत देखकर मैं तुझे यहाँ पर लेकर आया। मैं तेरे को रास्ता बता रहा हूँ और तू है कि मेरी हजामत कर रहा है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। स्मगलिंग 3 तरह की होती है। कौन से 3 तरह की? बोलता हूँ। लेवल 1 में ऑपोजिट पार्टी को कंफर्म करने का। ओ। चल आ जा। हाँ। ये लेवल 2 है, कोडवर्ड कंफर्मेशन। मच्छी का सालन। कुछ बोलेगा? ये क्या है? कोडवर्ड है। ओ। अरे पुलिस आ गई। पुलिस। ए, क्या ढूंढ रहे हो? सर एक मिनट, सर एक मिनट, क्या हो गया? देखता हूँ सर। पुलिस स्टेशन में साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या? जल्दी करो, पुलिस स्टेशन चलना है कि नहीं? सॉरी सर। हेलो। इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज तो सही नहीं लग रही है। कैच। ए, कहाँ चले गए? बैठ जल्दी चल। ए, रुक। ए, चल निकल। आजा आजा आजा। बच्चा रो रहा है, ग्राइप वाटर पिला दो। पेरी दे। ब्लडी क्रिमिनल्स, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा सोचा नहीं था ना, पकड़े गए बेटा। सर, थैंक यू सर। आपने अपना रिकॉर्ड बना लिया? इट्स माय ड्यूटी सर। सर, फर्स्ट टाइम उन्हें पकड़ने गया था तो रोड पे फिसल कर गिर गया था। यहाँ देखिए, यहाँ कट भी गया है। सी द ब्लडी क्रिमिनल सर। ए, तुम लोग रामदास ग्रुप से हो ना? सर, हाँ सर। ए, एड़ा है क्या? मिस्टर नीलकंठ सर, इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए? सर, एक हीरे की कीमत मार्केट में लगभग 3 लाख रुपए होगी। ए, ये सब नकली है, इसकी कीमत 20,000 भी नहीं होगी। ऐसे ही इन लोगों को पकड़ लिया। ए, तुम्हारे रामदास को अपने एक्सपीरियंस से कुछ बड़ा काम करना चाहिए था ना? कितनी बार समझाया तुम लोगों को, लेकिन बात भेजे में घुसते ही नहीं। कौन है ये? सर, ये हमारी गैंग में नया है सर। तो खुद तो किसी काम का था नहीं, इसे भी अपने गैंग में शामिल कर लिया।
अरे मजा आ गया। इंस्पेक्टर कैसे बोल रहा था, देखना चाहिए था। अबे अब सिर्फ हंसता ही रहेगा क्या? आपका काम छोटा है ये मैं जानता था, लेकिन इतना गिरा हुआ होगा ये सोचा नहीं था। ये 10-10 का काम मैं तिरुपुर में नहीं कर सकता था क्या? यहाँ किस लिए आता? ए, कुछ भी मत बोल। मुझे पूरे 40 लाख रुपयों की जरूरत है, वो जल्दी से कमाने के लिए मैं ये सब कर रहा था। यहाँ कर दे। तेरी वजह से मैं मुश्किल में नहीं पड़ूंगा, ज्यादा जल्दी है तो चला जाए यहाँ से। आप बोलो ना बोलो तो भी मैं जाने वाला ही हूँ, लेकिन जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। 20 साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, थोड़ा बड़े लेवल का काम नहीं कर सकते थे? फटती है क्या? ए, नीचे बैठ चुपचाप। किससे बात कर रहे हो पता है? ए, मैं यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँच गया, चाहो तो किसी से भी पूछ लो। शुरुआत कम पैसों से ही होती है, उसके बाद में बड़ी रकम आती है, तुरंत लाखों नहीं मिल जाते, मुझे सिखा रहा है। एक जमाना था जब बहुत पैसे थे मेरे पास। ए, मुझे 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, अगर तीसरा आया ना तो मेरी अर्थी सज जाएगी। मैं ज्यादा टेंशन नहीं ले सकता, बस दाल रोटी चलती रहे बहुत हो गया। अरे भाई ये क्या बोल रहे हैं आप? इसने जो भी कहा उसके लिए इसे माफ कर दीजिएगा। हमने आज तक आपके लिए सारे छोटे मोटे काम किए हैं, आप इसके लिए बस ये काम कर दीजिए ना, आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, हाँ जो भी है इसके लिए। बैठो। अरे तेरी ये अपने को ही देख रहा है। ये कौन है इसके साथ है? पता नहीं, समझ में नहीं आया। हेलो, सुनो, आई एम दिनेश। हेलो। इसका नाम जानकी है। ओह, 2 महीने से तुम इसके पीछे पड़े हो, मुझे पता नहीं क्या। ठीक है, जो भी है, इतने दिन से इसे देख रहे होंगे, बात भी की होगी, और आपका शादी का भी इरादा होगा। लेकिन एक बात बता दूं, बात ऐसी है कि बहुत पहले ही हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, समझ गए? तो अगर तुम शक्ति कपूर जैसा इसका पीछा करोगे तो मुझे तो धर्मेंद्र की तरह बीच में आना ही पड़ेगा ना, आखिरी बार समझा रहा हूं। बोलिए ना, चल अब निकल यहां से। मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, एक बार मुझसे बात कीजिए, उतना ही बहुत हो गया। ए, अरे छोड़ना, अरे पागल अगल है क्या? जाने दे उसे यार, होता है लाइफ में, चल अभी। भाई आपको बताया था ना, यही है वो, नाम है शंख। शंख? हाँ, अपना इलेक्ट्रॉनिक का दुकान का सेट है ना, उसी ने मिलाया है। हल्के में मत लेना इसे, इसे कोई चीज चाहिए, उसके लिए अपनी हेल्प लेने को आया है। अगर अपुन ने इसका काम कर दिया ना तो अपने को अच्छा माल मिलेगा। क्या चीज है? क्या चाहिए? चमत्कारी हीरा। ये नहीं हो सकता सर। अच्छे से सोच कर बताओ, 10 करोड़ जान का जोखिम है सर। वो तू भी मानता है क्या? मैं क्यों नहीं मानूंगा, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ वो आत्मा के अंडर में है, पर्सनली बोल रहा हूँ। इस चमत्कारी हीरे को पाने के चक्कर में आप दोनों अपनी जान मत गंवा देना। और कोई दूसरा काम है तो बोलो, ये चमत्कारी सिक्के का काम मैं नहीं करने वाला। हम बड़ा काम किया है लेकिन ये नहीं करेगा। रख अपना पैसा अपने पास रख। मुझसे ये काम नहीं होगा भाई, किसी और को ढूंढ लो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। भाई ये कॉइन लाना, बाथरूम में जाके जैसे करते हैं ना उतना ही आसान है। भाई क्या
तुम्हें पाइल्स की तकलीफ है क्या? बुलशिट। मैं कौन हूँ पता नहीं ना, पता चल जाएगा। शार्प डरपोक है, एक भी आदमी में हिम्मत नहीं है। There is one, Twinkle Ramnath. Hello. कौन है? अन्ना भाई से पूछोगे तो पता चल जाएगा। काम क्या है? एक डील के बारे में बात करनी है। डील है? भाई को बताता हूँ। बोला ना बैठ। दो यूनिट करंट पर बात किया। अरे उस करंट को किसी गांव वाले को देते तो वहां बल्ब जलता। बोल। बहुत है सोचता है तू। लोड कर दिया का? इसको तो पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। बुलेट बर्बाद हो गया। भाई हमने कब की? नहीं नहीं, मैंने बर्बाद किया। आगे से ध्यान रखना। भाई वो जॉन ने आपको बुलाया था क्या? हाँ बुलाया है। भाई डील के लिए बुलाया था क्या? अरे डील डील के बारे में बात करने के लिए वो इतना बड़ा हो गया है? हाँ हमेशा फोन करते हैं। कौन है? पैसे मांगने वाले। क्या इतना केयरलेस रहता है, सीधा बात करके पैसे दे देना। ये इतना आसान लगता है क्या? पागल। ए क्या हो गया? यहां पे ध्यान नहीं है, रोड देखते आ रही है। क्या कर रही है? हे हे, अबे वो देखना। बैठो। तेरा जो ये 2 महीने से लव चल रहा था ना, ये जो अभी थप्पड़ पड़ा है ना, अब उसे समझ में आ गया होगा। हाँ। ए वारे, इधर आ इधर आ। क्या भाई, कैसा है? हाँ एकदम बढ़िया हूँ। ये मेरा दोस्त शेर सिंह है। ऐसा क्या? नमस्ते बॉस। नमस्ते। अच्छा आजकल क्या कर रहे हो? हमेशा के जैसा, छोटा काम छोटे पैसे। भाई अपने पास बड़ा काम है और बड़ा फायदा भी, करोगे क्या? अरे जा बे, तू तो अपना काम पहले से जानता है रे। ए कैसा काम है? ए इधर आ, सुन तू ये डिटेल क्यों पूछ रहा है? ये तो अपने बॉस को पूछना चाहिए ना। अबे बोलूंगा तो वो सुन लेगा क्या? अरे पर अबे ए, मैं आगे जाऊंगा तो तू मेरे पीछे आएगा ही ना। किसके लिए? अबे सुन, आज के बाद मैं जो बोलूंगा ना तू वही सुनेगा। अरे भाई कौन है वो पार्टी? Who is this? Twinkle के bodyguards. पकड़ रहे। क्या ये? Twinkle भाई नहीं है क्या? तू इतना बड़ा आदमी है क्या? ये भाई का स्टाइल है। ले बात कर। मैं ट्विंकल रामनाथ बोल रहा हूँ। भाई मैं जॉन बोल रहा हूँ, वो जगन भाई के पास। उसके जूते चमकाता था ना। हाँ बोल। भाई अपनी पार्टी चाइना की है, बहुत बड़ा ऑफर है। जैसे इन्होंने बोला मैंने आपको फोन लगा दिया भाई। ये क्या है? गन। कल चाइना वाले ने जो दिखाया ना, ये उससे भी एडवांस है। समझे?
वो चाइना से कितने बजे आया, तुमसे कितने बजे मिला, तुमने क्या क्या डील की, सब जानता हूँ। जॉन मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो, लेकिन उसके लिए किसी से भी हाथ मिला लोगे तुम? वो मेड इन चाइना था, कभी नहीं फटेगा, और मैं मेड इन इंडिया, जब चाहे फट सकता हूँ। कल सुबह तक वो इस देश में नहीं रहना चाहिए, और अगर वो रहा ना तो तुम नहीं रहोगे। ए, यही वो जगह है ना? हाँ यार। ठीक है चल। ए, हाँ। भाई से हमने पूछा नहीं इस बारे में, मैं फिर से बता रहा हूँ। तू यहीं रुक, मैं डील करके आता हूँ। ए, हाँ। तुझे क्या पता डील के बारे में? मैं कैसे करता हूँ तू देखता जा। ए, रुक बे, रुक। We can't do anything against him. He has always eyes on us. Trust me. Let's operate from outside. Okay? Sir, tea. क्या कहा? Tea? Tea वगैरह नहीं चाहिए जा? क्या कहा? Tea? Sir, deal के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन से gang से? अपने नीचे कुपम रामदास भाई के ग्रुप से। वो कुछ ही चॉकलेट क्या? जा जा, बहुत बड़ी बात है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। हाँ रिस्क तो ज़्यादा है, इसलिए तो कोई आया नहीं, लेकिन हम करेंगे। ट्रैफिक रोड पर गाड़ी चलाना सबका काम नहीं है। कहानी अच्छी लगी तेरी, असलियत जानता है क्या? बोलो ना सर, कर दूंगा मैं। चमत्कारी हीरे वाला कॉइन। क्या कहा? चमत्कारी हीरे वाला कॉइन। चमत्कारी कॉइन कर दूंगा सर, चलेगा। एक बात समझ ले, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तू ही भाई से बात कर लेना। डील कितने का है पता है? कितने का है? 10 करोड़। 10 करोड़? भाई साहब मैं बात करेगा। हाँ, वैसे ये डील किसके ऊपर है? वो कोई चमत्कारी सिक्के की बात कर रहा था। ए, अरे क्या हुआ? चमत्कारी सिक्का? हाँ भाई, चमत्कारी सिक्का। चमत्कारी सिक्का? ज्यादा पकाओ मत, पहले बात क्या है वो बताओ। इसी तरह से 20 साल पहले एक चमत्कारी सिक्के को ढूंढने के लिए 10 लोगों ने जिम्मा उठाया था। हाँ। और वो 10वें 5वें दिन ही इस दुनिया से ही उठ गए। किसने उठाया? इल्लम मुरई के राजा ने। इल्लम? छोड़ो ना उसे, और सुनो, उस सिक्के को भूल जाओ, वरना हम सबको उठना पड़ेगा। अरे जाओ यार, मैं नहीं मानता इसको। ये देखो, तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग भरोसा नहीं करते थे, उनका भी यही हाल हुआ, सारे लोग साफ हो गए। ए, उस सोनू के बाप का नाम क्या था? हाँ, चिन्ना। हाँ, चिन्ना, उसका भी वही हाल हुआ, एक होते दो होते तो समझ में आता, पूरे 132 लोग मरे हैं, और पता है कैसे? सारे के सारे एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट से? और क्या, एक ही गाड़ी ने सबको मार दिया, लेकिन अभी तक उस गाड़ी का पता नहीं चल पाया। ऐसा है कि चमत्कारी सिक्के को छूने से हम सब मर जाएंगे? हाँ भाई। इल्लम मुराई का ट्रक हमको मार देगा ना? अब ए, इसे जरा अच्छी तरह से समझाना। ए, तुझे भरोसा नहीं है ना? उन 132 लोगों में से मेरे मामा भी थे। भाई आप मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? ए, ये तो पागल हो गया है, ये सुनने वालों में से नहीं है भाई। हाँ? वो आप जो 132 बोल रहे हो ना, जो चमत्कारी सिक्के को हाथ लगाने से मर गए, उसका आप सबूत दे सकते हो? तुम्हें सबूत चाहिए? किताब में लिखा है ना भाई। एक बात समझ लो, बुरे वक्त पर सब अच्छी बातें करते हैं, और अच्छी बातें करने वाले को बुरा बताते हैं। वैसे भी अच्छा काम करने के लिए जो निकलते हैं उनको रोका जाता है। छोड़िए ना ये सब किताबी बातें हैं, चमत्कारी सिक्के की कहानी भी कुछ ऐसी होगी, वो सब छोड़िए। आप मेरे साथ उस सिक्के को लेने आ रहे हैं या नहीं, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मैं भी तुम्हें आखिरी बार ही देख रहा हूँ। ठीक है भाई, ये बुक में ले जा रहा हूँ। ए, मेरा साथ दे दे, 5 करोड़ दूंगा। 5 करोड़? अगर इनके साथ रहेगा तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएगा। तू फैसला कर, तुझे क्या करना है। मैं चलता हूँ भाई। ए, इसे इतना समझाने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 करोड़? अबे जोकर आ गया तू, मैं जानता था तू जरूर आएगा। हाँ लेकिन एक कंडीशन है। हाँ? पहले अंदर तो आ। अरे बाप रे, 2 ही दिन में इतनी डिटेल्स कलेक्ट कर ली तूने? बड़ी से।
चमत्कारी सिक्के से एक आदमी की मौत। चमत्कारी सिक्का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हाथों में चला गया, तो अगर हम इन लोगों को पकड़े तो वो सिक्का हमें मिल सकता है। हाँ। वो जो 132 लोग मरे हैं ना, तो उनमें से एक आदमी बच गया था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब क्या करें? ए, इनमें से जो बचा था ना, ये है वो पांडुरंग। ये इन सब लोगों का हेड था। अगर हम इसको पकड़ लेते हैं ना, तो वो सिक्का कहाँ है इसका पता चल जाएगा। लेकिन अभी वो फैमिली के साथ मलेशिया टूर पर गया है, आने के लिए एक हफ्ता तो लगेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अब हाँ, तू कोई कंडीशन के बारे में बोल रहा था। मारवा नगर में मेरी पहचान का एक तांत्रिक है, हमें जाकर उनसे बात करनी चाहिए। उससे हम जाकर क्यों बात करें? ए, तांत्रिक के बारे में ऐसा वैसा कुछ बोल मत, तुझे पता नहीं वो कितने बड़े आदमी है। अच्छा? मेरे बाजू के घर का जो विजय है ना, वो हमेशा उनके पास ही जाता है। और खास बात तो ये है कि अगर हम उनसे इस मैटर के बारे में पूछेंगे ना, तो वो हमें आराम से सब कुछ बता देंगे। छोड़ यार। ए, अगर तुझे भरोसा नहीं है ना, तो मैं इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। अबे बड़ा आया जाने वाला, चल बैठ। लेकिन एक बात है, हम लोग वो चमत्कारी सिक्का लेने के लिए जा रहे हैं ना, ये उनको जरूर बोलना। बोलो। बाबा एक पत्थर निकालने का है। कैसा पत्थर? रुक जरा, हम लोग उतना डिटेल में नहीं बता सकते, समझ लीजिए वो कोई पुराना पत्थर है बस। अरे क्या बकवास कर रहा है, उन्हें सब पता चल जाएगा, बता देना उन्हें। अभी चुप। बाबा वो एक पत्थर तो तुम्हें चमत्कारी सिक्का निकालना है और उसी के बारे में यह पता करने आए हो। बाबा बताओ मैं उसके लिए क्या करूं? वो चमत्कारी सिक्के को हाथ लगाने से लोग मर जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए थी इसमें, इसलिए हम आपके पास आए। अगर उसे छुएंगे तो भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसी कोई विधि कर दीजिए ना स्वामी जी। यही जानना चाहता है ना पागल। तुम्हें क्या लगता है कि वो जो राजा था वो एक साधारण मनुष्य था? कोई बड़ा सा चमत्कार लगता है इसके बीच। तो तुम नहीं समझ रहे हो। इस रूम में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं स्वामी जी। अब इसे तुम मुट्ठी में बंद करके देखो। क्या हुआ? क्या हो गया? ये सब आत्माएं हैं, ये सब उस सिक्के की तलाश में थे, ये वहां तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही सिक्के को छुआ इनकी मृत्यु हो गई। और अब तू भी उसे पाने की सोच रहा है, तो सुन, उसे छूते ही तू भी मर जाएगा, मैं सच कह रहा हूं। उस सिक्के को निकालने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि वो सिक्का साधारण नहीं है। बाप रे, तो उसे निकालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? टाइम हो रहा है, जल्दी से मंत्र बोलकर उसमें सुई चुभो देना। मैं डॉक्टर की सुई को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, और इसमें क्या सुई लगाऊंगा, वो भी आत्मा है। ए, आत्मा क्या तुझे खाने को आने वाली है? तू डालना, कुछ नहीं होगा। ए, प्लीज करना। मंत्र बोलकर उसे चूमना पड़ेगा, इसमें मैं थोड़ा सा वीक हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है। अबे डर के मरेगा क्या? ठीक है, मैं लगाता हूँ। अरे बाप रे। अब वैसे 132 लोगों में से बुलाना किसको है हमें? किसी दुकान का उद्घाटन नहीं करने का अपने को, जो किसको बुलाऊं किसको बुलाऊं, किसी को बुला ले यार। ए, मेरे मामा को ही बुला ले। कौन है वो? वो बताया था ना मैंने, मेरे फैमिली में से एक ने उस चमत्कारी सिक्के को हाथ लगाया था। अबे हाँ यार, हाँ वही मर गए थे। क्या नाम है उनका? चिदम्बरम। चिदम्बरम? ए, अरे वो तो पहले ही पेज पर है। मतलब वो पहले ग्रुप में मरा होगा। नहीं यार, तेरा मामा। ए, बिना पहचान के लोगों को बुलाने से अच्छा है कि इसको बुला लेते हैं, यहीं कहीं पर घूमता रहेगा। चिदंबरम। हाँ।
संप्रमत। आधी रात को 1 बजे चमत्कारी सिक्के को छूकर मरने वाली आत्माओं में से किसी एक का आवाहन करना और उसके लिए मैं जो पढ़ रहा हूं उस मंत्र को पढ़ना, फिर जीभ में इस सुई को चुभोकर नींबू में घुसा देना। उसके बाद अगर तुमने इस नींबू को 3 बार घुमाकर अपने हाथ में रख लिया तो कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत नहीं आएगी तुम्हारी जान पर और फिर तुम्हारी चाहत पूरी हो जाएगी। तीन बार घुमाओ, कुछ हो तो नहीं रहा है? वो अपना रामदास भाई है ना, हार्ट अटैक की वजह से वो मर गया। तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। अरे वहाँ वो बुड्ढी अकेली है, चलो ना यार, चलो साथ। भाई भाई अरे देखो क्या हो गया, अरे मुझे छोड़कर चला गया, कोई पूछो इससे, जरा उठाओ इसको पूछो, मैं किसके साथ रहूंगी, ये सब क्या हो गया। मैं उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाया था। लंगो, 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 क्या हुआ तुझे? चिल्ला क्यों रहा है? अपने पीछे देख। नमस्ते भाई। नमस्ते। रामदास भाई हैं। क्या हुआ? कान में बहुत मिट्टी है, निकल गई। कल ही तो दफनाया था ना, फिर वापस कैसे आ गए? अरे सुनो, कोई बस वगैरह मिलेगी? क्या बोल रहे हो भाई,
इनकी आवाज भी बदली बदली लग रही है। आवाज बदली लग रही है। दम दम ददद दम 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 ददद दम। अब सही है। ये बताओ तुम लोग मुझे भाई कह के क्यों बुला रहे हो? मैं तो तुम्हारा मामा हूँ ना। अरे वही मामा, मामा चिदंबरम मामा। अब ये क्या हो गया? ये तेरा वही मामा है क्या? वो नींबू घुमा ही नहीं तो फिर ये मामा कहाँ से आ गया? अरे कैसी बातें कर रहे हो है? तुमने मुझे यहाँ बुलाया तभी तो मैं आया, नहीं समझे? ये देखो। समझे तो इस तरह से मेरी रूह इसके शरीर में आ गई। नींबू डाला तो डाला, लेकिन ये तो सोचना चाहिए था कि नींबू जिस पर रख रहा हूँ उसका चेहरा मोहरा कैसा है। पता है वहाँ से आते वक्त रास्ते में कितने कुत्ते भौंक रहे थे? कुत्ता ही भौंकेगा ना, बकरी चिल्लाएगी क्या? तुम लोग कहीं मुझे भूत तो नहीं समझ रहे? अब नहीं है। तो आओ ना मेरे पास बैठो, आओ ना, चलो आओ। ये क्या है, तुम अभी तक चड्डी में घूम रहे हो? बचपन में भी ऐसे ही रहते थे। ये नॉटी है, थर्टी है। तुम कुछ कहना चाहते थे है? उस नींबू में कुछ गड़बड़ है सोचा था, आपके डेड बॉडी पर गिर गया इसलिए हम लोग ज्यादा डर गए थे। सुनो मैं भी तुम्हारे मामा जैसा ही है ना, तो चलो हम उन्हें लेकर आते हैं, ठीक है? किसको? अरे उन्हें ही। हे? तुझे अभी तक समझा नहीं क्या? ये वही चमत्कारी सिकल लाने के लिए बोल रहे हैं। अरे उसी के लिए तो आए यहाँ पर, मेरे मामा नंबर वन है। अभी नहीं, उसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो मेरे तीन दोस्त हैं, उन्हें यहाँ पर बुलाना है। कौन है वो? एड्रेस दे देते, वो लोग आ जाएंगे यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन देंगे कैसे? वो लोग तो आत्मा है। क्या कहा, वो लोग आत्मा है? हाँ बेटा, हम चार पक्के दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे, इसीलिए साथ ही गुजर भी गए। हाँ, अब मुश्किल क्या है कि वो लोग मेरे बिना वहाँ रह नहीं सकते, उन्हें यहाँ लाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या? हाँ, अब आई लाइन पे तीन बॉडी चाहिए। अरे डेड बॉडी, जैसे मैं बॉडी के अंदर हूँ ना, तो उन्हें भी तो तीन बॉडी चाहिए ना। बाजे फटाक करके जा, झटाक करके ले। बॉडी के यहाँ वहाँ पे पड़ा हुआ जो मैं उसे लेकर आ जाऊँ? अरे जाओ यार। भांजे उन्हें लाना ही पड़ेगा, अगर नहीं लाए ना तो देख लेना। आप अकेले नहीं रह सकते क्या? हमको क्यों घसीट रहे हो? भांजे मेरी बात तो सुनो, इस नींबू को कोई भी हाथ में रखकर मुझे बुलाए तो मैं आ जाऊंगा। ये क्या लड़की की जैसे बात करे? भांजे इज्जत से बात करो। आए। अरे जरा इसे कुछ सिखाओ, ये पहनता भी चड्डी है और इसकी अकल भी चड्डी वाली है। ए, मुझे इसे मतलब नहीं कि तू सुई कान घुसाता है, लेकिन इसे यहाँ से भगा। ठीक है चलिए। कहाँ चलो, लाश ढूंढने क्या? हाँ चलो। अरे भांजे रुको रुको, एक मिलने वाला है, सुनो ना। वो चाकू लेकर आओ। ये लीजिए बाबा, काम तमाम कर दो आज। ये हंस रहा है पंडित जी, जरा जोर से घुसाइए ना। और जोर से करो ना, गुदगुदी हो रही है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अरे इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? इंसान के शरीर में अगर आत्मा घुसेगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन ये आत्मा एक मुर्दे के शरीर में है, इसीलिए इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मुर्दा है इसलिए इसे कोई लालच नहीं, ना तो इसे नींद आएगी, ना इसे भूख लगेगा और ना ही इसे प्यास लगेगी। इसे कुछ भी नहीं चाहिए। दिखने में तो ये इंसान है लेकिन है तो मुर्दा ही। वो सब तो ठीक है पंडित जी, लेकिन ये और तीन मुर्दे मांग रहा है, अब क्या करना पड़ेगा पंडित जी?
सुना, बात अपने हाथ से निकल चुकी है। अपने फायदे के लिए तुम लोग इसे बुलाए हो तो अब इसकी बात सुननी ही पड़ेगी। अगर ऐसा करोगे तो ये तुम दोनों का काम कर देगा। अरे नहीं बाबा, इसका और हमारा कोई मेल ही नहीं है। मेल नहीं है? ये एक छोटा शैतान के जैसा है। जिस काम के लिए तुम लोग इसे बुलाए हो बिना किए ये जाएगा नहीं, इसलिए कोई गलती नहीं करना। अरे वहीं से बोलिए ना बाबा, सब आमने सामने तो बैठे हैं, ऐसे फेस चिपका के क्या करने वाले। ये कोई खेल नहीं है। अमावस्या में अभी सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, ध्यान रखना। भांजे, कोई बुरा सपना देखा क्या? कुछ नहीं। मैंने तुम दोनों का सिर अपने हाथों से पकड़ा और तुम दोनों मिट्टी बनकर हवा में उड़ने लगे, यही देखा ना? कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ सोना है क्या? आपने जो कहा अगर वो मुर्दा मैं आपको दूंगा तो आप चले जाओगे क्या? क्यों, तुम्हें वो सिक्का नहीं चाहिए क्या? नहीं, आप यहाँ से चले जाइए बस। ए, क्या कह रहे बे? और नहीं तो क्या, तू जानता है इस काम में कितना खतरा है। पहले आत्मा से मार खाकर मरना पड़ता है। क्या बताऊं तुझे, तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। सुनो, तुम दोनों को कोई तकलीफ दिए बिना मुर्दे मैला कर देता हूँ। हाँ रुको भांजे, जाओ उसे उठा कर लाओ। ओए, क्या फुटपाथ पे सोए आदमी को उठा कर लाने के लिए कह रहे हो? उसे मरे आधा घंटा हो गया है। आपको कैसे पता? कौन जिंदा है कौन मरने वाला है मैं सब जानता हूँ। मैंने जहाँ बताया था वहीं पर आए हो ना, तो सीधी तरह से जाओ और उसे उठा कर लाओ। ए, चला। ए, एलंगो, अभी आना। चला जल्दी। क्यों उठाया? अरे वो नहीं, उसके बगल वाला, बगल वाला। कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों उठाया भाई? वो तुम्हारे बाजू वाले को उठाता था। सेनवाराज का पोता है तू, मर गया। ये तो रात को ही मर गया, इसलिए तो लेट आया हूँ। उठा जल्दी, चल जल्दी गाड़ी में लाओ, लाओ जल्दी लाओ। सेल्वाराज का पोता ही है ना तू, अपने दादा को भिखारी बना दिया। इंसान नहीं शैतान हो तुम लोग। साल 2019 फरवरी की 18 तारीख। अच्छा वो तारीख क्या? बस ऐसे ही बोल रहा था, मैंने उसे उसकी मरने की तारीख बता दी। भांजे तुम्हारी भी बताऊं क्या? मामा, मेरे अच्छे मामा हो ना तुम। डांट क्यों रहे उसे, वही तो दूसरी डेड बॉडी है। हाँ भांजे, थोड़ी देर बाद वो मरने वाला है। उसे बचा सकते हैं ना? किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ उसके पीछे पीछे चलते रहो, अभी इंतजाम हो जाएगा। यहाँ पर पी कर निकलने वाले बहुत हैं। गाड़ी आगे बढ़ाओ। थोड़ा स्लो चला, आराम से, थोड़ा आगे जाने दो उसे। बस यहीं पर रोक दो।
ए, ट्रक का पत्थर उसे लग गया है, जल्दी गाड़ी निकाल। जाओ उसे उठा कर लाओ। ए, पकड़ी से जल्दी कर, चल बैठ जा, बैठ जा। तीन ही चाहिए क्या? दो को रखकर कुछ कर लीजिए ना। मुसीबत है यार, अगर दो मुर्दों के साथ पुलिस ने पकड़ लिया तो फांसी हो जाएगी, समझे? उसके बाद तो चमत्कारी सिक्का भी भूलना पड़ेगा। अरे तुमसे बोल रहा हूँ, क्या हुआ? रुको, तीसरा यहां मिलेगा। ठीक है, रुको, जल्दबाजी मत करो। हाँ, काम हो गया, अब जाओ। क्या कर रहा है तू? उठ। जानकी कहाँ है? वो आदमी उन मुर्दों को लेकर अंदर गया, लेकिन अभी तक आया नहीं। दरवाजा खटखटाया, लेकिन अभी तक निकल नहीं रहा है। ओए, दरवाजा खोलो! अंदर मुर्दों को लेकर क्या कर रहे हो? देखो, तुम किसी के साथ भी कुछ भी करो, लेकिन वो लड़की जानकी मुझे वापस दे दो। वो सुसाइड करी थी, फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। ओए, दरवाजा खोलो ना! तुम वापस आ गई, अब मुझे पहचानती हो? हम मिले थे ना, वो याद नहीं? वो बस स्टॉप। जानकी, बस एक ही बार बात करो ना, तुम्हारी आवाज में अब तक नहीं सुन पाया। जानकी, सिर्फ एक बार बात करो। अरे ताली जाते, क्या चाहिए तुझे? जब भी देखो बड़बड़ बड़बड़ करते दिमाग खाते रहता है। हे भगवान, गर्दन टूट गई, सुन लिया आवाज? क्या ये मट की आवाज में बात कर रही है? क्या हुआ भांजे, अगर आदमी आदमी की आवाज में नहीं बोलेगा तो कोयल की आवाज में बोलेगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो? ए बुढ़ाओ, बीड़ी है क्या? साला एकदम बीड़ी की तलब लग रही है मेरे को। वैद्यराज। ये वो, अरे वेशमुनि है अंदर। जाओ जाओ जाओ, मिलो उससे। एक मिनट एक मिनट, जरा देखने दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
परफेक्ट है ना? तुम्हारा काम तो पूरा हो गया ना, अब निकलो यहाँ से। कहाँ जाऊँ? कहीं भी जाओ। और वो चमत्कारी सिक्का? वो सब मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम निकलो यहाँ से। अरे रुको, मेरी बात सुनो। मैं कोई बोतल का जिन हूँ क्या कि जब तुम कहोगे तब मैं चला आऊंगा, जब कहोगे तब चला जाऊंगा? इस कमरे में बैठकर कितनी मुश्किल से मैंने तीनों बॉडीज में आत्माएं डाली हैं वो मैं जानता हूँ। खेल नहीं था ये। ये जो बैठा है ना, इसका सिर अलग था और धड़ अलग था। इसे नहला धुला कर सेट करके 66 टांके मार कर इसके अंदर आत्मा को घुसाया है मैंने। तुम्हें खेल लग रहा है क्या? हाँ मैं समझ गया, तुम्हें खेल ही लग रहा है ये। भांजे, चमत्कारी सिक्का मिलने तक ये तीनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुम लोग जाओ। हाँ जाने बोलना इनको। एक मिनट। हाँ? एक मिनट, ये तुम कहाँ चल दिए? अरे यहाँ पर बैठ जाओ ना। नहीं मैं खड़ा ही रहूंगा। हाँ। तुम लोगों को इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेने के लिए किसने कहा था? ए, ये दोनों यहाँ पर आएंगे तो हम फंस जाएंगे। ये रोड एक्सीडेंट में मरा है और इसने फांसी लगाई है, दो दो पुलिस केस। तो क्या वो सब मुर्दे हैं और दो दिनों में बाहर भागने लग जाएंगे? भाई हम लोग बास वास नहीं मारेंगे, तुम्हारे जैसे ही हैं हम। कुछ भी हो लेकिन तुम लोग मुर्दे हो, अब निकलो यहाँ से। ए रवि, किसके बारे में बात कर रहे हैं पता है तुझे? जब से आया हूँ देख रहे बड़ 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 करते जा रहे। अब चुप हो जाए नहीं तो तुझे भी भूत बना दूंगा। पहले कितनी गुपचुप रहती थी, कितनी मासूम लगती थी, और अब इसकी हालत देख, सब इसकी वजह से। कोई गलत फहमी में अटक गए। इन लोगों को अंदर रख के इनके अंदर से आत्मा निकालने का प्लान बनाएंगे, समझ गए? अभी सब कुछ ठीक है ना? हेलो, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम साथ मिलकर उस सिक्के को ढूंढेंगे। सच्ची बात हुई ना बात। देखा, मेरे पापा लाइन पे आ गए। अच्छा वो और एक मुर्दे का क्या हुआ, वो भिखारी? वो तो अंदर ही है ना, खुद ही जाकर देख लो। उस जगह को ढूंढना है और चमत्कारी सिक्के को लाना है। उनको क्या हुआ है भाई? मैंने कोशिश करके देख लिया, कोई फायदा नहीं है। अगर हम लोग 5 मिनट पहले पहुंचे होते तो आत्मा घुस सकती थी। अभी क्यों डॉक्टर की जैसे बात कर रहे हो, वो मुर्दा है ना, जाने दो। अरे लेकिन चमत्कारी सिक्के के बारे में तो उसी को पता है ना। तो फिर क्यों उनको छोड़कर इन लोगों के अंदर तुमने आत्मा डाला? अरे लेकिन कब से देख रहे हो तुम, बहुत बोल रहे हो, ज्यादा जबान मत चलाओ। ए तू है क्या? ठीक है घर में जाकर वापस आ, फिर मैं तुझे बताता हूँ। अरे लेकिन अरे भाई चुप रहो, अभी क्या करना है उसका? अरे यहाँ पे खोद ना। हाँ अच्छी तरह से खोदो। हाँ ठीक है। ए जरा संभल के, सर पे लग जाएगा तो टका खुल जाएगा। क्यों भांजे, ये मेरा गेटअप क्यों चेंज कर रहे हो? आपको कोई पहचान ना पाए इसलिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा है क्या? तो कमल हासन के जैसा दिखना चाहिए। सक्सेस। ए, ये सब मैं नहीं पहनता, तू ही पहन से। मुझे लुंगी ला कर दे। ए, लुंगी मांग रहा है, दे देना अपनी। जूते से मारूंगा तुझे। आप ही दे दो। क्या वैद्यराज, अरे तेरी बॉडी लड़की की है यार, तुझे ये सब पहनना ही पड़ेगा। चीयर्स मेरे भाई। हाँ। पूरा दारू तो गले से लीक हो रहा है। अरे इसे पीने से नशा नहीं होगा, इस बेवकूफ को नहीं पता कि ये ऑरेंज जूस है। क्या कह रहे हो, ऑरेंज जूस, इसीलिए नशा ही नहीं हो रहा? क्या वेश, क्या हुआ वेश मुनि? ऐसे डर क्यों रहे हो? वो कोई गैर थोड़े ही है, अपने सगे वाले हैं। ऐसा क्या है उसमें जो? यही है चमत्कारी सिक्का। वेश मुनि, चमत्कारी सिक्का है ये। अरे भांजे, तुम लोग इसे फोटो में देख रहे हो, और हमने तो हाथ लगाया था तब हमारी फोटो को हार पहनाई गई थी, हमें बता रहे हो? गेम खेल रहा है। इस चमत्कारी सिक्के को हाथ लगाने वाले सब एक ही गाड़ी में एक्सीडेंट होकर मर गए थे, ऐसा बुक में लिखा हुआ था। वो कौन सी गाड़ी है, क्या नंबर था, ये सब पता चलेगा तो अपनी थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी ना। भांजे, हाँ मैं कैसे मरा था वो मुझे याद नहीं, हम लोग रोड एक्सीडेंट में मरे थे ये बात तो मुझे तुमसे पता चल रही है। हाँ ये बात तो है। क्यों रे पागल, तुझे कुछ भी पता नहीं? तो हम लोग मर गए क्या? ए ज्यादा गर्दन मत उठा, टांके खुल जाएंगे। वो तो ठीक है, इसे पढ़ो। ऑर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास सिक्का है। हाँ अब हम जिस चमत्कारी सिक्के को ढूंढ रहे हैं ना, वो सिर्फ इसे ही पता है, इसका नाम पांडुरंगा।
अब इसे अगर उठा लिया जाए तो समझो चमत्कारी सिक्का मिल गया। लेकिन अपनी चाल पुलिस को पता नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम सबको ट्विंकल के आदमी की तरह बदल लेना चाहिए। अब इसके बीच में तो ट्विंकल को क्यों ला रहा है बे? ए, ट्विंकल केस बोलो तो पुलिस की नजर में नहीं आएंगे और वही अपने लिए सेफ है। ए, ट्विंकल कोई बड़ी तोप है क्या? ट्विंकल इतना बड़ा आदमी है, सूट बूट पहनकर मुंह में सीटी रखकर ट्विंकल बोला तो बस हो गया, कोई भी हकीकत बता देगा। हेलो सर, सब ठीक है ना? कौन क्या कर रहे हो तुम लोग? चल जल्दी छोड़। अरे कौन हो तुम लोग? कौन है आप लोग? सूट बूट पहनकर खड़े, आपने पहचाना नहीं? पहचाना नहीं? ये दिख रहा है क्या? दिखता है। क्या दिखता है? स्पीकर दिख रहा है भांजे। एक मिनट ऑफिसर, इसमें आने वाली आवाज को सुनो। टकलू, ट्विंकल रामनाथ बोल रहा हूँ। ट्विंकल रामनाथ, ये कोई प्ले स्कूल है क्या? क्या भाई, शहर में एक ही तो दादा है, तुम्हें पता नहीं है क्या? क्या दादा? मुझे नहीं पता। अरे यार, इतनी परेशानी से सूट बूट पहना, पसीना निकाल दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, कह रहा है कुछ भी नहीं मालूम मुझे। वो सब छोड़ो, मेरा बॉस जो बोलता है वो सुनो, क्या बोल रहा है? बोलो रामनाथ। मेरे को एक बात का जवाब चाहिए, अगर तूने नहीं दिया तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, तेरा भी पत्ता कट जाएगा। अब बोल, वो चमत्कारी सिक्का किधर है? जो राज किसी को नहीं पता, वो इसे कैसे पता चला? चमत्कारी सिक्का मुझे याद नहीं है। ए टकलू, तेरी बाईडी की याद आती है क्या बराबर? फालतू में बड़बड़ बड़बड़ करके मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, बोला? अब जितना मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग उतना ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो चमत्कारी सिक्का क्या? वो सिटार वैली पोस्ट ऑफिस में है। उस टूटे फूटे पोस्ट ऑफिस में रखा है क्या? है, उस पोस्ट ऑफिस में डालकर रखा है, अभी तक उसे किसी ने छुआ नहीं। कैसा दिमाग लगाया है, है ना मिस्टर ट्विंकल? वो एक बहुत ही पुराना घर है, बिल्कुल खंडहर की तरह। उसके अंदर ही पोस्ट ऑफिस है और वहाँ पर बहुत सारे शील्ड रखे हुए हैं। उसी में से एक छोटे शील्ड के पीछे एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें एक चाबी रखी हुई। ये वही चाबी है जिससे पोस्टमास्टर के कमरे में रखी हुई लॉकर खुलती है। जब उस लॉकर को खोलोगे तो उसके अंदर से एक छोटी सी ज्वेलरी बॉक्स मिलेगी। उसी ज्वेलरी बॉक्स के अंदर वो जादू सिक्का रखा हुआ है। क्यों भांजे, इसे छूना था ना तुझे? अरे नहीं नहीं, मुझे जीने का शौक है, आप ही देख लो, अच्छा रहेगा। ए, मेरे मामा के साथ इज्जत से बात करने का, अभी हम लोग 10 करोड़ के मालिक बन गए मेरे मामा की वजह से। मामा, तुम्हें मंदिर बनाने गए चर्च? बीच पर 3 कब्रें खोद देना। ओके। अबे तुझे दिमाग नहीं है क्या? स्केच बनाने से लेकर पांडुरंगा को उठाने तक मेरा हाथ था, लास्ट में तेरे मामा ने आकर उसमें हाथ डाल के उसे उठा लिया, तो वो बड़ा आदमी हो गया क्या? भांजे जरा इधर सुन, ये कोई पेट में था क्या जो उल्टी करके निकाल लेता? चमत्कारी सिक्का है ये, ऐसे नहीं निकलने वाला था। हाँ मैं निकाल लेता। ये देखो, ये नहीं रहता ना, तो इसकी बात सुनकर उस ढोंगी पंडित के पास जाकर आप लोगों को छोड़ो, जान दो। भांजे, मामा क्या कह रहा है ये? एक मिनट मामा, ए, अगर उस चमत्कारी सिक्के को तू उठाता तो तू मर जाता, ये बात जान के भी बोल रहा है? छूने से क्या होने वाला है, अगर हाथ नहीं तो पकड़ से उठाता। ए, इतना सब कुछ किया है तो क्या मैं प्लान नहीं बना सकता? बहुत हो गया,
कितनी देर से सुन रहा हूँ, ये सब मैंने किया, प्लान मैंने बनाया, मैंने किया, तुमने किया ना, तो लो पकड़ो इसे। इसे मेरे पास किस लिए दिया? भांजे भांजे उठो ना, क्या हो गया है तुम्हें, क्या कर रहे हो? अरे जल्दी उठो भांजे। हाँ ये हुई ना बात। मामा। हाँ बेटा। मैं कहाँ हूँ भी? अरे बिजली चली गई थी, तू डर गया था, उठ के बैठ जा। मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ? अरे वो डुप्लीकेट था, मैंने इसे डराने के लिए फेंका था तो वो मिस होकर तुम्हारे हाथ में आ गया। क्या, वो डुप्लीकेट सिक्का था? और नहीं तो क्या, ओरिजिनल कहीं और पर छिपा कर हम सबको उल्लू बना गया। नहीं मामा, जब मैंने वो पत्थर हाथ में लिया तो मुझे एक आत्मा नजर आई थी। कौन वो? अरे वो अपने तमिल भाई हैं, देखो ने। अरे भाई उठना, कितना सोएगा, अभी तो उठ जा। ए तमिल टीचर उठना, अभी एक छोटा छोटा पैग मारेंगे ना हम लोग। अरे इसे तो हमने दफनाया था, तो ये यहाँ कैसे? एड्रेस के हिसाब से तो एकदम सही आया है, और किधर जाता तो तेरी बैंड बज जाती, समझा? अरे फिर इसे ले जाना पड़ेगा, दफनाना पड़ेगा फिर से। अरे उसके वजह से मेरे कान में क्यों थूक रहा है? इसको बार बार दफनाने से अच्छा है कि पेट्रोल डाल के जला दो। अबे बड़ा पत्थर रख वरना ये वापस बाहर आ जाएगा, जल्दी कर। बस बस संभाल, चलो संभाल, चलो चलते हैं। 1990 में तमिलनाडु में हलचल मचाने वाले चमत्कारी सिक्के को कल लूट लिया गया है। ऐसे वक्त पर उसकी जो रक्षा कर रहे थे व्यापारी पांडुरंग ने उसकी कंप्लेन पुलिस में लिखा दी है। पांडुरंग जी का कहना है कि इसका जिम्मेदार रामनाथन है, पुलिस उस सिक्के की खोज में लगी हुई है। क्या वो सिक्का ढूंढ पाएगी? उस चमत्कारी सिक्के को लूटने वाला रामनाथन ही है, उसने अपने आदमियों को भेजा था जो मुझे किडनैप करके ले गए थे। उसके बाद एक डुप्लीकेट चीज चोरी करने पर सारा मीडिया में इतनी कंप्लेंट करे जा रहा है, कितना झूठा आदमी है ये भाई। कोई कॉमेडी फिल्म लगा ना? नहीं यार, वो जो रखा है उसे खुद को पता नहीं कि वो डुप्लीकेट है। अगर उसे पता चला होता तो वो कमिश्नर ऑफिस तक जाता नहीं। वहां का काम किसी ने असली चीज उठाकर, किसी ने वहां डुप्लीकेट रखा है। अभी जो हमें ढूंढना है वो उस आदमी को ढूंढना है। अरे क्या भाई पांडे, ऐसे ही वॉकिंग करते करते तुम्हें उठा ले गए थे ना, फिर से वॉकिंग चालू कर दी है? वॉकिंग पे जाता था इसलिए उठा लिया, इसलिए मैंने जॉगिंग करना शुरू कर दिया, आप नहीं उठा पाएंगे। अरे कौन हो? अरे सुनो सुनो, अरे बाप रे, अरे छोड़ो, अरे कौन हो तुम लोग? अरे छोड़ो भाई, तू चाय दे दे। नमस्कार, हमको पहचानते हो? 1982 में आधी गांव में पिरामिड का जांच करने गया था तो आपके जैसे ही लोगों ने उस गांव में काम करने में मेरी बहुत मदद की थी। अब वो लोग अभी जिंदा होंगे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आप अभी जिंदा हैं इसलिए आप उस गांव के तो नहीं हो सकते, इसलिए आप कौन है मुझे मालूम है। पीने का पानी तैयार रखो। जी भाई। उस चमत्कारी सिक्के को चुरा कर जिस आदमी के नाम पर तुमने कंप्लेन किया है, मैं वही ट्विंकल रामनाथ हूँ। हाँ देखिए ये बहुत ही गलत है, मुझे किडनैप करके लाते हैं, इस कमरे में बंद करके रखते हैं, मैं क्या कोई एंटीक पीस हूं आपके लिए? सुनो, किडनैप करके हम लाए और भौंक तू रहा है, अगर हमको 3 मिनट का टाइम देगा तो हम सब बोल देंगे। हाँ तो बोलिए। किसी ने हमसे कहा था कि वो सिक्का लाकर हमको दो, लेकिन तब हमको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कल जब तुमने मेरा नाम लेके कंप्लेन किया उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जागा। अब कमिश्नर तो आकर हमसे पूछेगा नहीं, और अगर सिक्के के बारे में पूछा और हम कहे कि हमारे पास नहीं है तो नाम किसका खराब? तुम्हारा। बहुत चालू है, इसीलिए अब हमने फैसला किया है कि उस सिक्के का मालिक हम होंगे। अब तू क्या करेगा बताऊं? तुझे अगवा करके कौन ले गया, कितने लोग थे, उन लोगों की कोई निशानी विशानी? अगर बता दिया तो छोड़ दोगे मुझे? पहले तो यही सोचा था, लेकिन जब आंख से पट्टी खुली तो हमने तुमको नमस्ते किया था, लेकिन शायद तूने नमस्ते नहीं किया। ओह यह किया था क्या? हां भाई किया था लग रहा है। तुमको? नहीं भाई नमस्ते नहीं किया था। वो लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने तुम्हें नमस्ते नहीं किया था। बहुत चालू हो तुम। Thank you.
अंदर आ जाओ। भाई ए, अकेले आने के लिए बोला था ना। अरे भाई अपने लोग हैं, क्या चिल्ला रहे हो। रामनाथ भाई हो ना तुम। वो मैं पूरी तरह से बदल गए, कैसे हो तुम। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तुम्हारी आवाज थोड़ी बदली बदली लग रही है। वो क्या है, देखकर बहुत दिन हो गए ना भाई, इसलिए आप भूल गए हो। ये देखो ये क्या है, जरा देखकर बताओ ना। क्या है ये चमत्कारी सिक्का है। ये क्या है, ये उठा के ले जा, चल चल। ए, इतना बड़ा होके इतना क्या डर रहा है। ए, ए, अरे भाई ये मर की आवाज में क्यों बोल रही है। चुप रहो ना। क्या भाई चढ़ा लिया क्या। पहले बोल तो इनकी आवाज बदली बदली लग रही है, फिर बोल तो लड़की की आवाज मर जैसी लग रही है। हाँ, पागल हो गया है। देखो देखो देखा। ए, जो बोला वो करना तू। अरे मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है भाई। ये डुप्लीकेट सिक्के को किसने बनाया है जरा बताओ ना। डुप्लीकेट है। हाँ वाह, अच्छी कारीगरी। जिसने भी बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है। आज करके कारीगर ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसे बनाए 20-25 साल तो जरूर हुए होंगे। उस वक्त किसने बनाया होगा ये बता सकते हो। वैसे बहुत लोग थे, और देखा जाए तो राय माइल स्वामी। ए, इनसे पूछते हैं। भाई साहब वो माइल स्वामी घर में है क्या। माइल स्वामी हाँ। वो अंदर ही है, जल्दी जाओ नहीं तो निकल लेगा। ए, चला जा। अच्छा देखो इन्हें रोज मिल्क पी रहे। अरे पापी लोग, यहाँ पर इनको सादा दूध पिला रहा है और खुद बाहर रोज मिल्क पी रहा था। आप हम लोग वो माइल स्वामी से मेरे पिताजी को जानते हैं यहाँ। आप लोग भी इन्हें दूध पिला दीजिए, शायद चले जाएं। चलो आओ, हम लोग बाहर चल के रोज मिल्क पीते हैं। चलो चलो पिलाओ भाई। अरे ये क्या कर रहा है। सुनिए आप रोज मिल्क नहीं पियेंगी, जाइए। चाचा चाचा भाई आपको तो लोगों के मरने का टाइम पता होता है ना, इनका अभी कितना टाइम बाकी है। ये ऑलरेडी डेडलाइन पर ही है, जो भी पूछना है फटाफट पूछ लो। ए, जल्दी से दरवाजा बंद करो, तुम भी जाओ। हाथ दो, अब पूछो, इसे हम मरने से रोकते हैं। चाचा ये क्या है जानते हो, इसे आपने ही बनाया है ना। इसे किसने बनाने को बोला था। उसका नाम क्या है चाचा, बताओ ना उसका नाम क्या है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पता चल रहा है, इसे किसने बनाने को बोला था। विष्णु ने क्या किया, हाथ क्यों छोड़ा तूने। ए, इसकी वजह से हुआ। चाचा उस बुड्ढे ने मरने से पहले कुछ भी ढंग से नहीं बताया, पहेलियां बुझाते हुए हमें घुमा कर चला गया। लास्ट में वो आदमी मरते समय कैलेंडर को देख रहा था। मुझे तो लगता है कि वो कृष्णा की तस्वीर को देख रहा था। ओह, ऐसा ना हो कि उसका नाम राउथर कृष्णा हो। हो सकता है, लेकिन इसका क्या मतलब होगा। ऐसा हो सकता है कि वो कोई लेडीज हो। हाँ, इस बात में भी दम है। ए, मैं समझ गया, कृष्णा के बाप का नाम आ से शुरू होता है ना। ओह, दोबारा ऐसा सड़ेला जोक मत मानना, वरना हाथ भी नहीं बचेगा तेरा।
अरे यार हंसना बंद करो और जरा सीरियसली सोचो यार। सही बात है, ये जगह बराबर नहीं है, अंदर जाकर सोच कर आता हूं। अगर वो वहां था तो फिर यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आप तो माइल स्वामी हो ना? जान जाने के समय मैंने जो इशारा किया था उससे तुम लोगों को कुछ समझ में आया क्या? वो कृष्णा ने बिल्कुल करेक्ट पकड़ा। कुछ नहीं समझा वो, हम जानते हैं वो ठक ठक ना स्टेथोस्कोप है वो। ऐसा है क्या? उसका नाम स्टेथोस्कोप कृष्णा है? डॉक्टर कृष्णा। समझा, जा यहाँ से। मेरी समझ में आ गया है। सुनो भांजे, उस घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आया? नहीं समझे क्या? डॉक्टर है, डॉक्टर कृष्णा, डॉक्टर जॉन कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरा पेट पूजा की जाए, बहुत भूख लगी है। तुम्हारा दिमाग तो सुपर है। हे, वो स्टेथोस्कोप यार। आपको कैसे पता? क्या हुआ भांजे? सच में? अरे कब्रिस्तान की कसम, मैंने ही समझाया उसे। अरे जाना भाई, क्यों दिमाग खा रहा है? अरे मैं ट्विंकल रामनाथ बोल रहा हूँ। रामदास कहाँ है? क्या हे, साउंड बढ़ा रहे। बोलो माँ जी, रामदास कहाँ है? अरे अरे, वहाँ पर गाड़ी किसने स्टार्ट किया? ऑफ करने को बोलो। नहीं भाई, माँ जी रो रही है। क्या कहे, रो रही है? अरे हमने ऐसा क्या पूछ लिया कि वो रोने लगी? अरे रामदास कहाँ, इतना ही पूछा तो रोने क्यों लगी? उसे मरे पूरे 10 दिन हो गए हैं। उसकी राख भी अभी ठंडी नहीं हुई। मैं उस सदमे से अब तक बाहर नहीं निकली। फोन करके पूछा भी नहीं, कौन है तू बेटा, किसका बच्चा है? हा? अरे बुढ़िया क्या बोल रही है? भाई उसके फोटो पे हार चढ़ा हुआ है, लगता है वो मर गया। मर गया? तो फिर उस सिक्के को आखिर निकाला किसने? लगता है कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहा है। भाई इस बुढ़ी का क्या करना है? अरे बुढ़ी है वो। हेलो हेलो, अरे उस बुढ़ी का क्या किया? मार दिया भाई। एकदम में बुड़बक हो तुम लोग, मेरी आवाज नहीं सुनोगे तो किसी को भी गोली मार दोगे। भाई बुढ़ी मरी नहीं है भाई, जस्ट मिस। गलती से अच्छा काम करके जस्ट मिस कह रहा है। अब जल्दी से यहाँ आओ। हे टकले, इसे उठा। ठीक है भाई। हे फोटो खींच। पूछो इनसे। डॉक्टर कृष्णा नाम के सारे लोगों की लिस्ट मुझे चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग कौन है? डॉक्टर हैं? नो। तो फिर पुलिस हैं क्या? नो। तो फिर पत्रकार हैं? नहीं। आप लोग कुछ भी नहीं हैं, तो फिर मैं क्यों आप लोगों को दूं? इसके लिए ठीक है, दे सकता हूं। डॉक्टर कृष्णा। खाना खाया? सिर्फ कॉफी पी है, पान खिलाओगे क्या? हूँ एक सिंपल से प्रिंटआउट के लिए 1,000 रुपए ले रहे हो, कल 4,000 खर्चा करना पड़ेगा, देखना है क्या? देखो भाई तुम्हारी आवाज ऊंची हो रही है। ऐसे ही रहेगी, क्या करेगा? क्या कहा? ए, मेरे पहचान का है कृष्णा मुरली वाला, उससे मिलेंगे क्या? हाँ अबे पागल है क्या यार, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितने कृष्ण। अरे तो सबसे इसी तरह रिश्वत लेता होगा ना, तभी तेरे सर पे एक भी बाल नहीं है। इस टकले से भेजा के भांजे, इस विभूति से मैं शांत हो गया, वरना ये तो गया था। ये विभूति क्या कह रहे हो? उस जले में प्रिंट आउट की राख है। प्रिंट आउट है? अबे टकले ये कैसा प्रिंट आउट है? इसे कहते हैं काल चक्र।
क्या समझे? सर 4000 रुपीज। सर जाने दीजिए, उसको कॉपी पेन ड्राइव में डाल दी, मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगा। ये क्या है? ए, पागल हो गया क्या? मेरे ऊपर कहाँ गया? रुक, पागल कहीं का? रुक, ए, भागता किधर है? रुक, ए, क्या कर रहा है? रुक, ए, भाग रहे, क्या कर रहा है? आपने अच्छी तरह से देखा, जो सफेद रंग में था वो भूत ही था ना? अरे हाँ भाई, उस पेपर के अपने हाथ में ना आने की वजह वो आत्मा ही है। मुझे तो वो इल्लमुराई राजा की आत्मा लग रही है। अरे तू भी ना। ए चिरकोट, वो ऐसे आलतू फालतू काम नहीं करता, समझा क्या? वो आएगा तो बैंड बजा देगा। ये तो कोई लोकल भूत का काम लग रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से वो आत्मा यही कहीं आसपास ही है। अरे वो तो हमारे साथ ही है ना। मजाक छोड़ो, ये एक्स्ट्रा आत्मा है। मैं कुछ करता हूँ, मैं उससे मुलाकात करता हूँ। चला गया लगता है। लगता है सब लोग यहीं पर हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस। कुल मिलाकर हम लोग 132 लोग थे। ए बड़े बापू, अपने ग्रुप में कोई नई आत्मा आई है क्या? अरे तुम क्या यहाँ बात कर रहे हो? मरे हुए लोगों को लाकर यहाँ हंगामा मचा रहे हो? कोई चुप ही नहीं रह रहा है? बात कर रहे, गाना गा रहे, शोर मचा रहे, कोई सुन नहीं रहा है। क्या है ये? क्या चल रहा है ये? क्या कर रहे हैं ये लोग? नाच रहे हैं। ओ अब समझा, सारे के सारे सठिया गए बापू। देख देख कैसे भाग रहे हैं। सुनो तो, अरे बापू, सब स्कूल के बच्चों के जैसे भाग रहे हैं, ये हो क्या रहा है? दोस्ती आत्माओं में भी होती है। तुम ऑपरेशन के लिए कैंची उठाते हो और ये आदमियों को मारने के लिए चाकू पकड़ते हैं। देखना चाहते हो क्या? हैं? चले जाओ यहाँ से। अगर मैंने छोड़ भी दिया तो इल्लमुरे राजा उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसमें नहीं है यार। ले, वापस आ गया। देखा उसमें लेकिन नहीं है, है ना? इस किताब को लिखने वाला वो डॉक्टर ही है। वो चमत्कारी सिक्का उसी के पास है। खुजली की एक्टिंग करो, कुछ गलत मत करना। अरे भाई आपसे बोल रहा हूं। क्या भांजे, मुझे इस तरह से चद्दर उड़ाकर यहां पर ले आए?
मैं बीमार नहीं हूँ फिर भी बीमार कर दिया। अरे नर्स को बुला कर दिखाओ मुझे। और भाई आप कुछ ज्यादा बोर हूं। नेक्स्ट नंबर है मिस्टर तोतलवाइन का। अरे ये कैसा नाम है, किसका नाम है भाई? तोतलवाइन आप ही तो है ना, आप ही को बुला रही है। अरे तुम्हें कोई अच्छा नाम नहीं मिला था क्या? कौन है तोतलवाइन? अरे सिस्टर मेरा ही नाम है तोतलवाइन। ओ आप ही है क्या तोतलवाइन? हां मैं हूं। चलिए तोतलवाइन, तोतलवाइन बोल रही है, पूरे हॉस्पिटल को सिर पे उठा लिया है। गुड मॉर्निंग प्लीज। गुड मॉर्निंग मिस्टर मो। डॉक्टर वो मो नहीं, तोतलवाइन। सॉरी सॉरी सॉरी, नजदीक आइए। इसके दिल की धड़कन तो सुनाई ही नहीं दे रही है, लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। पहले जब तुम्हारे पापा रहते थे तो बहुत अच्छी तरीके से चेक करते थे। सही तो काम कर रहा है, इधर आइए। हाँ कुछ खास नहीं, लगता है इनकी हार्ट बीट थोड़ी स्लो है। आप मेरे डैडी को कैसे जानते? अरे कैसे नहीं जानूंगा भाई, तुम्हारे पापा और मैं स्कूल के जमाने में साथ साथ पढ़े हैं। इजी? हाँ थैंक यू, मैं फेल हो गया और तुम्हारे पापा डॉक्टर बन गए। भांजे जब मैं इनके घर जाता था तो ये छोटा बच्चा था, हाफ चड्डी में घूमता था और डिगी 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 दिन भर करता था। देखकर इतना मजा आता था कि पूछो मत। आप भी ना सर। ओ शर्मा गए। बनता है, ये हॉस्पिटल बनने के बाद मैं तुम्हारे पापा से मिल नहीं पाया। सो सर, आखिरी बार मैंने तब देखा था जब वो चमत्कारी सिक्का लेने जा रहे थे, उसके बाद फिर कभी नहीं मिले। वो चमत्कारी सिक्का? हाँ भाई, मेरी माँ ने भी उसके बारे में कई बार बताया सर। पूछो पूछो। इनफैक्ट मेरे पापा पुराने जमाने की चीजों में बहुत इंटरेस्टेड थे। मैं जानता हूँ जानता हूँ, सुना उनके बारे में। नई चीजों को छोड़कर पुरानी चीजें ज्यादा अच्छी लगती थी। लगता है ये मेरे गप को समझ बैठा है। एक बात और जानते हो, उन्होंने अपनी पुरानी चीजों के लिए गांव के बाहर जाके एक घर बनाया हुआ था, छोटा नहीं बड़ा सा। ओए हंसना बंद कर। एए। तेरे पापा को जहां रखा था वो घर कहां है? सीधा सा तो सवाल है, बता ना। ये विक तेरे साइज की नहीं है। आप लोग कौन हैं? हम सभी लोग मुर्दा हैं। अच्छा मजाक है, अच्छा मजाक है, अच्छा मजाक कर लेते हो। तेरा रुमाल निकाल के उसके नाक में डाल, डाल जल्दी, कब से पक पक कर रहा है। ए, क्या 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 कर रहा है? ये तो गया, अब जवाब कौन देगा? मुंह बंद कर। अच्छा सुन, इसको लेकर तू पीछे से आ जा और हम लोग आगे से आएंगे, वही सबके लिए सेफ है। माफ करना भाई, आराम से। कितने दिनों से तुझे ढूंढ रहा हूं, शादी होने के बाद भी दूसरे आदमी के साथ घूम रही है? हाँ हो नहीं है, ए घूर क्या रही है, दिमाग में बात नहीं घुस रही है? हाँ इसके साथ घूमने से बेहतर ये होता कि घर पे जो फांसी का फंदा लटक रहा है ना उस पे लटक जाती और मर जाती तू। ए आता ना। नहीं हटा सकता, गिर जाऊंगा। मेरी ही बीवी के साथ घूम रहा है और मुझसे जबान लड़ा रहा है। हाँ ए मैं इतना कुछ पूछ रहा हूँ और कोई भी जवाब नहीं। हाँ यार ये गन चक्कर, इतना बड़ा गुंडा है तू और मुझे ऐसे मार रहा है, तो इस बेचारी लड़की को कितना मारा होगा? आज तेरी बारी। अरे तुम क्या करने को जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? पीछे। अरे पहले इसे संभालो। अरे छोड़ो मुझे यहाँ से। अरे चलो यार क्या कर रहे हो, आज तुझे दिखा दूंगा, छोड़ दो मुझे। चलो जान दो। अरे छोड़ो, चलो। अरे क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे यहाँ क्यों लाए, क्या चाहिए आप लोगों को? वो चमत्कारी सिक्का मेरे पास नहीं है। ए, हम जानते हैं वो तेरे पास नहीं है, तेरे बाप का जो बड़ा घर है ना वो कहाँ है और वो छोटा घर कहाँ है? तू चुप रहे। ए, तू इसे अंदर ले जा। चल बे, चल, 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 चल,
नमस्कार, मैं ट्विंकल रामनाथ बोल रहा हूँ। ये न्यूज बंद कर और कोई गाना बजाना। चुप, भाई बात कर रहा है रे। अच्छा ऐसा है भाई, कैसे हो? घर में सब कुछ ठीक है ना? छोटा वाला कैसा है, सब ठीक है ना? तेरा भाई नहीं रे, हमारा भाई है। तेरा भाई है तो तेरे से बात करे ना, मेरे से क्यों बात कर रहा है? उसको गोली मार। नई शर्ट को छेद कर दिया। अब बीच में कौन बोल रहा है? उसको भी गोली मार। भाई वही है भाई, उसे गोली मारा भाई, पर उसे कुछ हुआ नहीं। क्या फिर से जस्ट मिस हो गया? बगल में जो है उसको मार दे। नो, नहीं। अरे ये लोग सब नाच रहे, क्या हो रहा है यार इतना? अबे यहाँ पर टेंशन है। ए, क्या हो रहा है वहाँ पर, कोई बताएगा? मैंने काम पूरा करने को कहा और तुम लोग डांस कर रहे हो क्या? भाई इन लोगों को बहुत चर्बी चढ़ गई है, लगता है हमारा मजाक उड़ा रहा है। ए, एक काम करो, उन सबको उठा कर लाओ, हम यहाँ टॉर्चर करेंगे। चल, उठा कर लाने के लिए बोला ना तो हमको उठा कर लेकर चलो। अच्छा, हाँ मारूंगा सुट्टा। इसको भी उठा कर ले आया क्या? क्या फिल्म है, हीरो तो हीरो जैसा ही है। अरे कलाकार तो कलाकार ही होता है ना, वैष्णवी देखा तुमने? अरे ओहो, मर गया। वो लोग हमें उठा कर ले आए और ये लोग कृष्णा की फिल्म देख रहे हैं। इनकी तो मैं मामा। अरे भांजे, वो गाना इस सीन के आगे था या पीछे? कोई बात नहीं, वैष्णवी तुम्हें याद है क्या? जब से तुम लोग आए हो चिल्ला रहे हो, भगवान के लिए चुप हो जाओ यार। इनमें से कौन हमारा मजाक उड़ा रहा था? भाई सब लोग ही उड़ा रहे थे। उड़ाने दो, सबका हिसाब लेंगे इनसे। हाँ बोलो। मर गया कहकर तू पुलिस वाला को बेवकूफ बना सकता है, हमको नहीं बना सकता। वो चमत्कारी सिक्का कहाँ है? तेरे से बात कर रहे हैं। उससे? तेरे से ही पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो चमत्कारी सिक्का? अच्छा वो चमत्कारी सिक्का, उसे तो हमने अभी निकाला ही नहीं है। तो फिर तू ऐसे नहीं बताएगा? अरे मैंने बता तो दिया। इसने बताया क्या? हाँ भाई बोला ना अभी। तो हमको क्यों नहीं बताया? वो आपको ही बताया था ना अभी। तो भाई 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 मैं समझ गया भाई, मैं बताता हूँ। इसने जो बोला वो अलग था, आपने जो पूछा वो अलग था, और इसने जो बताया वो अलग था, इसने वो नहीं बोला जो वो बोला था। और... आ, बढ़िया बढ़िया। तो कॉमेडी कर रहा है इसलिए तालियां बज रही है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि तू मेरे लिए कॉमेडी कर रहा है और ये लोग मुझे कॉमेडियन समझ रहे हैं। समझा दे इनको, नहीं तो मैं सीरियस हो जाऊंगा। ए भाई सीरियस है? ऐसा क्या? हाँ, मैं सुबह आऊंगा, इससे पूछ कर रखना कि इसने क्या बताया था। बाय। गुड नाइट बाय। एक काला कोयला बहुत ज्यादा बोलता है, इसको चूल्हे में डाल देना। ठीक है भाई। सर चलो आओ रे, जल्दी अंदर आओ, जल्दी आओ।
ये डॉक्टर की क्लिनिक के पोस्टर्स यहाँ क्यों लगे हैं? अरे सुनो काका, वो क्या है? अंदर आ, पता चलेगा। अरे मैं आ रहा हूँ ना। अंदर इसके साथ क्या होने वाला है इन सबको देखना चाहिए। अगर किसी ने कुछ बोला तो सीधा सर उड़ा देना। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। तुम करना क्या चाहते हो? तुमको हफ्ते की पगार मिलती है या महीने की? ए, तुम उसकी तरफ देखो। उसे हम रोज ही देखते है, आज तू देख ले। ए, तुम लोगों को टॉर्चर करने वाले हैं। अरे थोड़ा डरो ना यार। बैठ इधर। अरे काका एसी उधर है तो मैं इधर क्या करूंगा? बोला ना बैठ। ए, चल चल मेरे साथ। हाथ उठा। ये हंडा मेरे सामने किस लिए रख रहे हो काका? तेरा खून निकाल के इसमें भरूंगा। ओहो, छे 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 छे। लगता है काका का यही काम है। ए, एक मिनट, तेरा भी नंबर आएगा। अर्जेंट बाथरूम जाना है, जा क्या हो क्या? कैसा लगा? चल चल मेरे साथ। डांस कर रहा है? अरे काका, तुम्हारे तो सर के बाल झड़ गए। चमेली का तेल लगाओ ना। नहीं समझा? सिर में दिमाग नहीं है क्या? तेरे अंदर तो खून ही नहीं है। अरे खून कैसे आएगा? हाथ खोलोगे तब तो पता चलेगा ना कि खून आए कि नहीं। मार मत, मैं तेरे को अभी समझा दे रहा हूँ। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना। इसमें से खून क्यों नहीं आ रहा है? ए, नहीं आ रहा है तो तुम्हें क्या परेशानी है? खून चाहिए। खून चाहिए तुम्हें? ये लो, ये देखो खून। खून चाहिए था ना? और दिखाता हूँ। अबे समझ नहीं आ रहा। लगता है जल्दी काम हो गया। अभी तुझे बताता हूँ मैं। बोल रहा हूँ सुन मेरी बात। अरे तुझे पहले से बोला था ना, मत मार मत मार, मेरी बात नहीं सुना? नॉनसेंस ब्लडी फूल। ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, अरे उठ जा, अरे नीचे देख, अरे नीचे। जब देखो रोता रहता है। हाँ क्या चल रहा है? है, देख उसको क्या हुआ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ भाई? अरे उठ जा, वो हमारी गाड़ी से भाग गए भाई। तो चाबी को गाड़ी में ही छोड़ दिए? जी भाई। वाह क्या बात है, पेट्रोल वगैरह था ना? आधा भरा हुआ था भाई। आहा, और हवा फुल टाइट थी भाई। आहा, मेरे जूते में कुछ है क्या? देख। अरे गाड़ी स्टार्ट करके दे देना था ना। समझ गया भाई, कार में जीपीएस लगा है, पता करूं कहां है। ठीक है भाई। अरे ये सिगरेट कान में लगाकर पीता है क्या? हाँ भाई ये सिगरेट नहीं, कोई पर्ची है, जरा दिखा तो। मेरे प्यारे ट्विंकल रामनाथ भाई, आपको इन लोगों ने लिखा है कि क्यों बे, तू इतना बड़ा आदमी बन गया है क्या? हम लोग कब से बोल रहे हैं कि हमें सिक्का नहीं मिला है, ये बात तेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या? हा? इस सर की कसम खा के कह रहा हूँ, हम उसे अभी लेने जा रहे हैं, तेरे को जो करने का कर ले जाके। अच्छा एक बात पूछनी थी, ये ट्विंकल रामनाथ का मतलब क्या होता है? मैं अब गांव जाकर वापस आ रहा हूँ, तब तक तू अपना नाम बदले, नहीं तो मैं तेरा कुछ गंदा सा नाम रखने वाला हूँ, समझ गया?
भाई मिल गया भाई, मिल गया भाई। जीपीएस से ट्रैक करने के बाद पता चला कि वो लोग तामवरम से आगे जा रहे हैं। है? इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? बात को जितनी देर खींचेगा ना जी भाई, उतनी देर में वो लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। जी भाई। जा गाड़ी तैयार कर। जाता हूँ भाई, अभी जाता हूँ भाई। भाई आप नहीं चल रहे क्या? यहाँ का कुछ इंतजाम कर और चल। चल चल अंदर जा। यही है वो कमरा, तुम्हें जो चाहिए जाके ले लो। अरे यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, मैं अपनी गाड़ी में जाके बैठूं क्या? हाँ तू किधर नहीं जाएगा, बैठ इधर बैठ। तुम लोग वहां पे देखो। भाई अब यहाँ देखो, यहाँ देखो। भाई 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 यहाँ आओ, इधर आओ ना। हाँ ये देखो, ऐसा लग रहा है कि यही होगा। भांजे तुम लोग जरा बाहर जाओ, मैं इसे खोल कर देखता हूँ। हम लोग क्यों बाहर जाए? हाँ छूने से ही परेशानी है ना, खोलो इसे हम देखेंगे। अरे बताओ इसे। अरे हम लोग क्यों बाहर जाए? इसे छूने में ही परेशानी। समझ में नहीं आ रहा, कहा ना बाहर जाओ। चल जा बाहर। चल भाई। अरे चलो भाई। बोला ना। चमत्कारी सिक्के को अगर किसी ने देख लिया तो उसे छूने का मन करेगा, उसमें शक्ति ही ऐसी है। इसीलिए कहा था इन लोगों से मैंने कि सब लोग बाहर चले जाओ। चलते हैं क्या? ए, इसको क्या हो गया, उदास ही है। क्या हुआ भाई? तुम दोनों ने इस सिक्के को छुआ क्या? उस सिक्के को हमने छुआ क्या? आपने देखा नहीं क्या? अरे ये अंधे हैं क्या? मामा मस्ती मत करो, चलो चलते हैं यहाँ से। आजा जल्दी, चलो टाइम हो रहा है। आजा उसे भी आने को बोल। जॉन वो सिक्का मिल गया है, अमाउंट मैं जो बोलता हूँ वो लेके आ जा। ए, इसे क्या हो गया? असली खेल अब हेलो जॉन, हम लोग आ गए हैं। हम लोग भी पहुंच रहे हैं। He is waiting for us with the coin. हाँ
हाँ बिल्कुल सीधे आओ। ए डिपर मार। ए, अरे दिन में क्या लाइट ऑन कर रहे हो? हाँ जॉन हेलो, ये हमारा स्टाइल है। भाई आप उनको ये सिक्का दे दो और पैसे लेके आना। क्या हुआ? जरा उधर देखो। हाँ वो पुराना ट्रक है तो उससे क्या आ गया। मुझे याद आ गया कि हम लोग कैसे मरे थे, इसी गाड़ी ने हमें कुचला था। ओ मामा ये गाड़ी तो खुद ही मरी हुई लग रही है, इसने मारा था क्या? क्या मस्ती कर रहा है। ए, उस ट्रक में तो ड्राइवर ही नहीं है यार। क्या हा? तुम्हारे पास सिक्का है कि नहीं या कुछ और प्लान किया है? नहीं नहीं तुम्हारे पीछे है? शुरू हो गया। गाड़ी गाड़ी ले पीछे तरफ घुमा ले। जल्दी घुमा ले। घुमा 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 जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। क्या सोच रहा है? कैसे हो कमल? कमल अरे बोलो ना कुछ, क्या हुआ तुम्हें? अरे ठीक है ना, बोलो ना। क्यों आप लोग मुझे बार बार दफनाते रहते हो? मैं क्या मर गया हूँ? तुम जिंदा हो भी क्या? कौन है ये दोनों? ये दोनों क्या? अरे उन इंसानों को ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओ तुम दोनों 1000 साल जियो। ए तमिल भाई डरो मत, ये लोग बिना सिक्का छूकर मरने के डर से कब के भाग रहे हैं। क्या बोले? तो फिर मैं अपना दिया हुआ आशीर्वाद वापस लेता हूँ। जिसने हम लोगों को मारा है वो तुम लोगों को भी जरूर मारेगा। ओए, अगर वो सही भूत है ना तो सिर्फ छूने से भी मार डालेगा, लेकिन उन्होंने छुआ नहीं तो मारा क्यों? किसी महान आदमी ने बिल्कुल सही बात कही है, अगर इंसान अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम किया हो तो मरने के बाद भी। अबे बुड्ढे, एक थप्पड़ लगाऊंगा ना। ए, भांजे, ऐसी बातें मत करो। ऐसी ही बात करूंगा, ये कवि से हम लोगों का मजाक उड़ा रहा है। अरे भांजे तुम समझ नहीं रहे, सिक्के के बारे में यही सब जानते हैं। अगर इसे मालूम है कि क्या करना है तो ये हमको उससे बचा सकता है क्या? बचा सकता हूँ, उसके लिए एक रास्ता है। चाचा 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 पूछो, पूछो, आप हम दोनों को माफ कर दीजिए और उसका क्या रास्ता है ये बताइए। देखा ना डर के मारे इन दोनों ने किस तरह अपना रंग ही बदल डाला। मेरी बात ध्यान से सुनो, इल्लमुरई के राजा के तलवार से निकले हुए उस चमत्कारी सिक्के को अगर हम वहीं रख देंगे तो क्या वो हमारी जान बख्श देगा? निश्चित रूप से। चाचा वो जगह कहाँ पर है? हाँ
क्या हुआ, पेशाब करने जाने की सोच रहे हो क्या? वो भी नजदीक पहुंच गया है। क्या किसी इंग्लिश फिल्म में तमिल में डब कर रहे हैं क्या? मुझे याद आ गया, मुझे मारने वाली गाड़ी भी यही है, यही गाड़ी तुम लोगों को भी मारेगी। अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो खेल खत्म। हमने पहली बार उस चमत्कारी सिक्के को बाहर निकाला था, ये उसी की गाड़ी है, इसीलिए राजा की आत्मा ने इसे पकड़ लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, तिल्ला मुरई राजा इस गाड़ी का बहुत शौकीन था। पागल आदमी है, कैसे गाड़ी चलाता है? ए, ऊपर लोहा लगा है, गाड़ी अंदर कैसे जाएगी? ड्राइवर नहीं दिख रहा है। ए, उस साइड देख, ड्राइवर उधर ही होगा। हाँ देखता हूँ। ओ ड्राइवर, इधर आ। ड्राइवर गाड़ी छोड़ के कहाँ चला गया था रे? यहाँ ड्राइवर कौन है बे? हम तो पायलट हूँ। खटारा गाड़ी चला रहा है और तू पायलट है? चल गाड़ी निकाल। ए, डू नॉट डिस्टर्ब मी। ए, कहाँ जा रहा है? यहाँ हम तीन लोग ही हैं, तो गाड़ी किसने चलाया होगा? ये वाली गाड़ी हम चला रहे थे। ए, तनी किसको पकड़ो? हाँ दे दे। अरे हमको बुड़बक समझते हो क्या? क्या कर रहे हैं? अच्छी तरह से सीधा कर देंगे। भाई आ गए। ए ए ए ए ए, अरे इस सन्यासी को क्यों मार रहे हो? भाई इस खटारे गाड़ी का ड्राइवर है, निकालने के लिए बोला तो बोलता है कि पायलट है। आप ही बात करो भाई, बात करो ना। सर सर सर, हम अमेरिका में पायलट हूँ सर। पायलट की नौकरी मिल जाएगी तो तिरुपति पैदल जाऊंगा, ऐसा मन्नत माना था हमने। अच्छा। ये दोनों बुड़बक हमको रास्ते में रोक लिए और गाड़ी का ड्राइवर बना दिया सर। इतनी इंसल्टिंग कर दी। अब हम अपने घर जाऊं कि तिरुपति जाऊं सर? आप ही बता। अरे नहीं नहीं, आप तिरुपति ही जाओ सर। ए पगले, आखिर तुम इन्हें क्यों सता रहे हो? आप जाओ सर, जाओ जाओ। थैंक यू सर। यही वो जगह है, डरो मत, उस चमत्कारी सिक्के का अंत नहीं है। इसे धकेलो, इसके अंदर ही समाधि है। ए, तू इधर आ। अरे तुम लोग भी आओ। चलो, जोर लगाओ। अरे चलना। ए, अरे दम लगा। ठीक है। अरे ट्विंकल आ गया, वो देख। धक्का मार, जल्दी मार धक्का। आज तक मैं सिर्फ एक माइक और स्पीकर से कोई भी डील कर लेता था, लेकिन आज पहला मौका है कि हमको स्पॉट पे आना पड़ा। अब भाई मैं रख लेता हूँ। बताओ चमत्कारी सिक्का कहाँ है? एक मिनट, क्या हुआ? हैंड्स अप। ए, मेरे पास भी है। अरे ये तो हमारा ही लगता है। अच्छा एक बात बताओ, अपना गन उनके पास कैसे गया? ए, तुम्हारी गाड़ी में से लिए हमने। हमारे सवालों का जवाब वो दे रहा है और तुम चुपचाप हो। अरे अरे क्यों शूट किए? हम लोग बात कर रहे थे ना। माफ कर दो भाई, गलती से ट्रिगर दब गया। आपके हाथ में गन है, मेरे भी हाथ में गन है। अच्छा होगा बातों से सॉल्व कर लेंगे। बात करने जैसा कुछ भी नहीं है।
हमको वो चमत्कारी सिक्का चाहिए। मुझे वो सिक्का नहीं चाहिए। अरे तो अच्छी बात है, क्लाइमेक्स तक जाने की जरूरत ही नहीं। पर इसमें प्रॉब्लम है। क्लाइमेक्स तक जाना पड़ेगा क्या? नहीं बताओ। चमत्कारी सिक्का छुआ तो क्या होगा? इल्ला मुराई राजा तुम्हें मार डालेगा। अब वो कौन है? ये जो नीचे है ना। अरे क्या हो रहा है? तुम लोगों को क्या हम पागल लग रहे हैं? नहीं सर, उस चमत्कारी सिक्के को हमने छुआ है, उससे बचने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ सर, आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में थी इसलिए हम लोग बच गए, वरना वो पुराना खटारा ट्रक हमें मार डालता। ट्रक? हाँ, वो पुराना भूतिया खटारा ट्रक। कहीं तो ऐसे ट्रक को देखा था मैंने। ए, उसी ट्रक पे लिफ्ट लेके तो हम लोग आए हैं। अरे रे रे, इनके भरोसे पर हम गाड़ी लेकर यहाँ आ गए हैं। ओए, वो जो ट्रक है ना, वो भूत ने चलाया, जानते हो? ये क्या बोल रहा है? ए, वो पायलट था, दिखने में आड़ा तेड़ा था, इसलिए उसे भूत बोलोगे क्या? भाई भाई इधर आओ भाई, सब देख लेंगे। हे, चिंता करने की जरूरत भाई वो भूत। अरे भूत प्रेत की कहानी मत बताओ। अब चुपचाप हमें वो चमत्कारी सिक्का दे दो। सर मेरी बात मानिए सर, अगर भूत आएगा तो हम देख लेंगे। चलो दो। ठीक है सर, मैं चमत्कारी सिक्का यहाँ पे रख देता हूँ, उसके बाद उसे आप ले लीजिए, ओके है ना? तो तुम उस सिक्के को इसके नीचे रखोगे, फिर वो मेरा हो जाएगा, सही कहा ना? जी हाँ सर। चलो ठीक है, रख दो, मैं ले लूँ। चल निकल, रख दो नीचे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चलो धक्का दो। हाँ चलो। चले क्या भाई? तू बहरा है क्या? जाओ जाकर धक्का लगाओ। यही है इल्लमुरे राजा की समाधि। उस चमत्कारी सिक्के को लोहे की तलवार के ऊपर रख दो। ए, सुन रहे हो ना? जल्दी रखो। बहुत बढ़िया, अच्छा किया, तुम्हारी जान बच गई। hey, काम खत्म हो गया ना, अब मैं इस सिक्के को ले लूं? लेकिन अरे ट्विंकल, ये लोग इतनी आसानी से सिक्का दे रहे हैं, चलो हमको क्या ले लेते हैं। अरे इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ए, ले लिया, कहाँ है भूत? हाँ, इसी के लिए आए थे भाई, तुरंत उठाना था ना। अरे मैं उठाने ही वाला था, लेकिन हाथ में गन थी ना, इसीलिए तुमको उठाने दिया। ओके, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना सर फुटे, डील कंप्लीट। क्या बात है ट्विंकल भाई, बढ़िया। चलता हूँ। ए, वो पैसों का बैग। चुप रह। क्यों भाई, अब ये लगेज तुम्हारे घर पे पहुंचाना पड़ेगा क्या? इसके अंदर क्या रखे हो, बहुत भारी है। अब अरे ये पकड़ो। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, ठीक है। शुरू में मैं चिढ़ रहा था कि आप सब लोगों को क्यों बुलाया, लेकिन अब आप लोग सब ऐसे चाह रहे हो, ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है। ए, मामा, आपका जाना जरूरी है क्या? भांजे, तुम लोगों ने जो काम दिया था वो पूरा हो गया, अब जाना पड़ेगा ना। पुराने जमाने के कवि ने कहा था। मामा, सिर्फ इसे गाड़ दे क्या? भाई देर हो रही है, जाके तुम आराम करो, जाओ। अरे यार, पहली बार ये लोग दिल से बात कर रहे हैं, थोड़ा सुन के जाते हैं। ठीक है भांजे, अब हम लोग जा रहे हैं। मैं चलता हूं, मेरे जाने के बाद
ये संसार इसी तरह हमेशा चलता रहेगा। वेश मुनि चिदम्बरम, मेरे दोस्त, मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? हाँ बोलो ना भाई। तुम्हारे शहर में गांधी चौक में तीसरे गली में मेरा घर है, वहाँ मेरी बेबी रहती है, बहुत सालों से फटी हुई साड़ी पहन रही है, उसे एक साड़ी दे देना। जरूर दे दूंगा। मतलब कि तुम्हारी ड्यूटी वहाँ पर होती थी क्या? वैद्यराज दो मिनट रुक जा यार। क्या रे दोस्त, हाँ आप तो कुछ लड़की को याद कर रहे हो तुम? अब ये तुम्हारे लिए। मैं ही हूँ जानकी। बहुत दिनों से तुम मेरी आवाज सुनना चाहते थे ना, यही है मेरी आवाज। तुमसे एक और बात कहनी है। आई लव यू। क्या कर रहा है? है? लड़की देख के चांस मार रहा है? इंतजार कर, कोई कोई लड़की मिलेगी तुझे भी, चल। बांजी, मामा। तुम लोग रो रहे हो लेकिन मैं नहीं रो सकता, आंखों में आंसू ही नहीं है। चिंता मत करो, जाओ और खुश रहो।